चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसे शहरी शायर कह लो, शायर इस्लाम, नर्तन इस्तेमाल, कारी मोहम्मद अली फैजी इतवा बाजार के नाम से याद करते हैं। अच्छी आवाज के मालिक है, अच्छे शेर के इंतखाब का हुनर जानते हैं। मैंने बारहा देखा है उनके नातिया शायरी के द्वारा, अगर वे उठ के जाना चाहे तो ये नामुमकिन है, अगर वे सोना चाहे तो ऐसा भी नहीं कर पाएंगे। अब आइए उस अजीब शायर से आप मुलाकात करें जो पूरी तैयारियों के साथ आपके समातों के प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए इस वक्त यहाँ तकलीफ रखता है, जिसे लोग शहनशाह कारी मोहम्मद अली साहब के नाम तहजी के नाम से याद करते हैं। आप की बड़ाई बयान कर लें, फिर उसके बाद उस लहजे से आप मुकाफा और मुआवजा कर लें जो बड़ी बेचैनी और बेकरारी के साथ आप तक पहुंचने के लिए पहलुओं से बदल रहा है। नारे तकबीर, आपकी आवाज में कम है लेकिन अभी कम है। अगर आप इसी तरह बोलेंगे तो ये बहुत इस मिजाज के शायर हैं कि ये मतला पढ़ेंगे मक्का पढ़ करके माई के एतबार से अपनी जगह पर बैठ जाएगा। हमारे जिले में एक शायर थे, बहुत बड़े फकीर थे। वो बेचारे बाजार में निकले, एक फकीर आ गया तो उसने कहा कि खुदा के नाम पर कुछ दे दीजिए। तो इन्होंने कहा ना छेड़ो दर्द नंदों को, ना जाने दिल से क्या निकल आया। तो फकीर ने कहा ट्राई कीजिए, हो सकता है चवन में ही निकल आया। तो ऐसा ही आप अगरचे माइक उनके एतबार से जिस तरह सेटिंग होनी चाहिए, माइक अच्छा चल रहा है, थोड़ी सी सेटिंग में भी प्रॉब्लम है और इंशाल्लाह जब वो पढ़ेंगे तो वो प्रॉब्लम भी ऑपरेटर साहब दूर करने जाएंगे। हाँ, वो घबराए हुए हैं कि इतने बड़े बड़े मौलाना को मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब घबराहट में दूर कर देगी। तो आप हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आप नारा लगा लें और बुलंद आवाज से मेरे साथ रखी बड़ाई बयान करें, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि शोले मतलब ईमान तक का पहुंचा है, मतलब मेरी पहचान तक का पहुंचा है। जागो है मेरे कौम के काबीला कबीले वालों, वक्त रहा तेरे बान तक का पहुंचा है। और आपको जाकर ये पैगाम देना है कि हम हुसैनी हैं, सफीने में भंवर रखते हैं, सारी दुनिया से अलग अपनी डगर रखते हैं। और क्या मिटाएंगे भला हमको जमाने वाले, अरे हम तो वो है जो कटे रखते सब रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत जिंदाबाद, मीरा बिन नबी जिंदाबाद, हकरा जमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर वजूद वजूद चाहो फरिश्तों अदम में रख देना, वजूद चाहो फरिश्तों अदम में रख देना, चिरागे दिल मेरा ताके हरम में रख देना। और माहो नजूम मुझे एक नात लिखनी है, तमाम रोशनाई आके कलम में रख देना। सलाम मोहब्बत को खबर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आइए हम और आप सब मिलकर अकीदत और इहतराम के साथ बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हबीब दुरूद पाक बांदाज़ उलमाना बुलंद आवाज़ से पेश करने की सआदत और बरकत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैहि के आखिर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि व असहाबिहि व बारिक सल्लम सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे हबीब का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक बार और हुज़ूर की बारगाह में दिल लगा के दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम थोड़ी देर तक हुजूर की नात के हवाले से आपके दरमियान हाजिर हूँ। एक कलाम से आगाज करता हूँ,
अच्छा लगे सुबहानल्लाह माशाल्लाह की सदा बुलंद करिएगा, आपकी मर्जी पर है। मैं पेश करता हूँ